बीजेपी हमारा आइकॉन है, बीजेपी एक तरह से हमारा ब्रांड है, बीजेपी को फायर ब्रांड बना के बिहार में बीजेपी की सरकार बना, चिराग पासवान को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए ने हमने ये शपथ लिया है कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम टोपी हटाएंगे। सम्राट चौधरी जो है वो रहेंगे, वो भी उप मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 साल राज किया, 25 साल में क्या किधर किधर फैक्ट्री बन गए। युवा ठीक है, वो युवा की जरूरतों को समझते हैं। उस हिसाब तो आप कहीं नहीं बन जाते सीएम, हम कैसे बन जाए, उससे ज्यादा युवा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार का अहम रोल है और बिहार की जनता जो है काफी उत्साह है ये जानने के लिए कि आखिर 2024 में किसकी दावेदारी होगी। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार बाजी जीत जाएंगे। इधर आइए जा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। बीजेपी का कैप क्यों पहने? अरे बीजेपी हमारा आइकॉन है, बीजेपी एक तरह से हमारा ब्रांड है, बीजेपी को फायर ब्रांड बना के बिहार में बीजेपी की सरकार बनाना है, चिराग पासवान को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए ने हमने ये शपथ लिया है कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक हम टोपी हटाएंगे नहीं। अच्छा वो बात बताइए, चिराग पासवान कैसे बन जाएंगे सीएम बिहार में? चिराग पासवान के अंदर वो क्रेडिबिलिटी है, बनेंगे कैसे? अरे क्यों नहीं बनेंगे? सम्राट चौधरी कहाँ जाएंगे? सम्राट चौधरी जो है वो रहेंगे, वो भी उप मुख्यमंत्री रहेंगे। कैसे दूधू को मुख्यमंत्री? कैसे वो नहीं उप मुख्यमंत्री रहेंगे? सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रहेंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे, चिराग पासवान रहेंगे जी। अच्छा, आप कहीं इतना मुरझा के घूम रहे हैं, आपको इनकी बातों पे रजा हम समर्थन नहीं उनकी बात। क्यों? तो पैसा दिया है, हम किसी का पैसा नहीं लिए हैं। हाँ। हम अपने दिल्ली तरफ से बोल रहे हैं। अच्छा। कि यहाँ बनेगा तो नीतीश का बनेगा और तेजस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री देश का नीतीश कुमार बनेंगे, ये हम लोग समर्थन करेंगे। तो पैसा लेके बोल रहे हैं? वो पैसा लेके बोल रहे हैं, हम बिन पैसे के बोल रहे हैं। आपको कैसे पता कि वो पैसा लिए? तो टोपी पहने हुए तो उसका प्रूफ है। टोपी पहने? हम कहाँ टोपी पहने? शायद आप भी चश्मा पहने? नहीं, हम तो दबंग 2 का चश्मा पहने हुए हैं। दबंग 2 का जी। नाम क्या आपका? चुलबुल पांडे। किसकी सरकार? एक मिनट एक बात बताइए, आपके जो नीतीश कुमार है वो पीएम बनना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी कहाँ जाएंगे? नरेंद्र मोदी झोला लेके अपना विदेश भागेंगे। भारत संभाल लेंगे? नहीं, वो संभाल लेंगे, नीतीश कुमार संभाल लेंगे। हाँ संभाल लेंगे। बिहार तो लोग बोलते हैं संभला नहीं, कहाँ से? 15 साल कौन संभाला, वही संभाले तो और कौन संभाले? इधर उधर पलट के ना अपने बल पे, वो कुछ भी हो गया लेकिन संभालेंगे तो वही। लोग बोलता है कभी इसके साथ जुड़ के कभी उनके साथ जुड़ के, पूरा समर्थन रहेगा, सब जितना दल है सब एक होकर। एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विदेश चले जाएंगे झोला लेके, आपको लग रहा है नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? नहीं। क्यों बनेगा? अगर मोदी विदेश जाएगा, विदेश का वासी है सो विदेश जाएगा, इंडिया के तो इंडिया में रहेगा। ये लोग गलत बोल रहा है, इंडिया का वासी इंडिया में रहेगा, विदेश जाएगा बसने के लिए। हाँ। आप बोलिए तो। हाँ। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार पसंद नहीं है? नहीं, हम लोग के लिए कुछ करबे नहीं किया तो क्या किया जाएगा? ऐसे 25 साल राज किया, 25 साल में क्या किधर किधर फैक्ट्री बनवाया? आप मीडिया वाले, आपको तो पता होगा कि कहाँ पे फैक्ट्री बनाया और कहाँ पे रोजगार दिया गरीब आदमी का, ये तो आपको मीडिया वाला है तो आपको पता होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात थोड़ा सा सोचिएगा धैर्य से, जब कोरोना काल आया था तो भारत में किसी राज्य में वैकेंसी नहीं निकला था लेकिन बिहार में निकला। हम लोग कोरोना देखबे नहीं किया तो हम आपको कैसे बताएंगे? आप देखे ही नहीं? हम नहीं देखे। इतनी बड़ी महामारी आपको नजर? जो वो पैसे वाला के लिए महामारी हुआ, भिखमंगा आदमी के लिए महामारी नहीं हुआ था? नहीं हुआ। नहीं, गरीब आदमी के लिए महामारी नहीं हुआ था। हाँ। पैसे वाला कोरोना मर रहा। कोरोना में जो चवलवा बांट रहे थे नीतीश कुमार, तो हम नहीं देखे थे हम लोग? आप नहीं देखे थे? नहीं, लिए भी नहीं थे? नहीं। अच्छा क्या बोल रहे थे आप? हाँ, नीतीश कुमार चावल बांटे हैं। चावल बांटे आपको? बांटे ही नहीं, हमको मिला है। ये देखे ही नहीं है? ये गरीब आदमी, सबसे ज्यादा गरीब आदमी यही था तो इनको मिला, हम लोग मातबर आदमी था तो नहीं मिला। अच्छा बताइए, सबसे गरीब आदमी आप है? हाँ, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। आपकी सरकार, आप ही गरीब हो गए? क्या हो गया? हम, मेरी सरकार नहीं है, हम उनका समर्थन करते हैं सिर्फ। समर्थक करते हैं तो कुछ तो लाभ होना चाहिए ना समर्थक का? क्या अच्छा लगता है? किस बेस पे समर्थक करते हैं? उनका काम अच्छा लगता है हमको। काम अच्छा लगता है जी। लोग तो नाराज है, किसी को काम पसंद है तो लोग जो है ना हवा में तीर मार रहे हैं कि नीतीश में मतलब कि बीजेपी फिर से सरकार बनेगी, तो ये गलत है। अच्छा किसकी सरकार चाहते हैं आप?
आपकी बात है, इसका बनेगा चिराग पासवान का। चिराग पासवान, हाँ, हमने कैसे भी सम्राट चौधरी कहाँ जाएंगे? दो कहाँ जाएगा, जो काम करेगा अच्छा उसी का बनेगा, जिसका काम नहीं। बात बताइए, गांव के हैं तुम, वो सीएम बना दीजिएगा। तो सीएम नहीं बनाएंगे, उसको वोट नहीं डालेंगे। वोट डालेंगे? हाँ। तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? तो वो जहाँ जाएगा, वो 25 साल में क्या किया बिहार में? हाँ, आप मीडिया वाले हैं, आप 25 साल में क्या किया है, कौन सा राज्य बिहार में, कौन सा जिला में क्या काम किया, वो आपको पता है? 25 साल में कुछ नहीं किया, तो बार बार भोटवा दे दे के काहे के लिए सीएम बना? पागल आदमी उसको वोट देता है, सही आदमी नहीं देता है। पागल आदमी देता है? पागल आदमी डाल देता है। ये जितने लोग उनके समर्थन में सब पागल, सब पागल है। गरीब आदमी के समर्थन में कोई नहीं, पैसे वाला का पैसे वाला समर्थन देता है, गरीब आदमी के समर्थन में कोई नहीं रहता है। हाँ, गरीब का समर्थन नहीं, पैसे नीतीश कुमार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं, नहीं गरीबों के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं किया बिहार में, कहाँ किया हमको बात दिखाइएगा आप। अच्छा, तेजस्वी को वोट दीजिएगा? नहीं, नहीं देंगे, जो हम लोग नहीं देंगे उसको। काहे? हाँ, हम लोग उसका पिताजी उतना दिन राज किया, जंगल राज, जंगल राज, अभी तो बिहार जंगल राज है, कहाँ एक दिन स्मार्ट सिटी बन गया। बिहार में नीतीश कुमार काम किए हैं? स्टार्टिंग में किए थे, अभी नहीं किए। अभी नहीं किए हैं, तो प्रधानमंत्री का तैयारी चल रहा है? नहीं होंगे प्रधानमंत्री, उनको हम लोग नहीं पसंद करते हैं। कोई नहीं पसंद करता है? मैंने नहीं, हम लोग नहीं पसंद करते। आप नहीं पसंद करते जी? तो वोट नहीं देंगे क्या? ना, पीएम तो छोड़िए, सीएमओ नहीं, नहीं कुछ नहीं। तेजस्वी यादव? अच्छा, किसको चाहते हैं बिहार में सीएम कौन बने? और पीएम? पीएम तो वही जो है नरेंद्र मोदी, संतुष्ट है एकदम? अच्छा, तो उनका कामों आप बता दीजिए एक दो, जो आपको पसंद आया हो कि केंद्रीय सरकार ने अच्छा काम किया है। क्या पसंद है आपको उनका? बोलिए बोलिए, इनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो किए जो आपको पसंद आ गया? हाँ बताइए, थोड़ा जवाब मांग रहे हैं, बताइए कुछ, बताइएगा ना मीडिया को। मीडिया जानना चाहती है कि क्या आपको अच्छा लगा मोदी जी का। अच्छा एक बात बताइए, केंद्रीय सरकार का काम आपको नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं पसंद आया? क्योंकि उनका दुनिया में कभी वो चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, कभी वो राम मंदिर बनाते हैं, अब अड़की तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो किसी बिना पर जीने जीते राम मंदिर बन गया तो अच्छा बात नहीं है? वो बन गया तो मान लिया कि आप यहाँ के मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने, आप वहाँ जाइएगा इधर पूजा करने, आप जाइएगा, आप ही से पूछ रहे हैं। अरे भाई, तो इतने दूर दूर से लोग घूमने जा रहे हैं, अयोध्या राम जी का जन्म हुआ था तो वहाँ मंदिर होना चाहिए ना? आप देखा है अल्लाह, इसका तो इसको आप पढ़ाई पढ़े ना, शास्त्रों में लिखा है कि अयोध्या में राम जी का जन्म भी देखा है, महाभारत भी देखा है, तो हम मतलब शास्त्रों में जो लिखा है वही सही है, वो सही नहीं है? यहाँ यहाँ मूर्ति निकल जाएगा तो बोलिएगा यहाँ मंदिर बना दो, गांधी मैदान को भी मंदिर बना लीजिएगा, तो यहाँ आस्था आस्था का जगह हो जाएगा जी। ये कोई मतलब हो गया? अब हम रातें रात यहाँ पे मंदिर की मूर्ति रख दें और कहें कि यहाँ भी मंदिर बनाओ, बनाइएगा आप ही से बोल रहे हैं भैया, बनाइएगा ना यहाँ मंदिर? अच्छा, आप पीछे से बोल रहे हैं, सही है सही है, नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? गुजरात मॉडल के ऊपर काम किए हैं बिहार पे? नहीं काम किए। कहाँ? अच्छा, नरेंद्र मोदी के अंदर जैसा है? नरेंद्र मोदी गुजरात में इतना काम किए तो पीएम बने, बिहार है गुजरात जैसा, तो इस बार भी सीट नरेंद्र मोदी के लिए कायम रहेगा? पता नहीं किसके लिए रहेगा, लेकिन ये नहीं बन पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट हैं आप? लगभग लगभग तो नहीं, लगभग पूरा नहीं। पूरा ना होने का कारण? मैं भी 5 साल और मौका मिले तो खुश कर दो। 5 साल में खुश कर देंगे? मतलब इस बार भी मौका देना चाहिए? देंगे देंगे। अच्छा, बिहार में किसको देखना चाहते हैं सीएम के पद पर, किसे होना चाहिए बिहार में? इस बार बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो कौन सा वो नेता आपको दिख रहा है जो सीएम के पद पर बैठने लायक है? जदयू रहा, बीजेपी को एक बार मौका मिल जाना चाहिए। बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, यानी सम्राट चौधरी को सीएम बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। लोग चिराग पासवान का भी नाम ले रहे हैं, उनमें क्या खराबी है? पढ़े लिखे इंसान है, कोई खराबी नहीं है। 8 क्लास पढ़ के जब डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्या बोले? नया चेहरा जरूरी है, जरूरी है, चिराग पासवान को सीएम बनना चाहिए। नया नया लोग क्लास 8 पढ़ के। बोलिए चिराग पासवान। चिराग पासवान, चिराग पासवान क्या किया है बिहार के लिए? कुछ नहीं किए हैं हमको तो कुछ। अरे गरीबों के इतने बड़े नेता है, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं किए नेता है, तो हम लोग कहाँ कुछ दिए हैं? आपको कुछ नहीं दिए? नहीं। क्या कहेंगे आप, चिराग पासवान सीएम बनने चाहिए? जी बिल्कुल, क्यों पसंद करते हैं? जी बिल्कुल। काहे कारण? क्यों नहीं बनेंगे बताइए, उसका बजाव क्यों नहीं बनेंगे? देखिए चिराग पासवान है युवा, ठीक है, वो युवा की जरूरतों को समझते हैं, उसी से आप कहीं नहीं बन जाते सीएम? हम कैसे बन? आप उससे ज्यादा युवा हैं, हम भी युवा हैं, तो बन जाइए। आप युवा हैं? नहीं, हम भी बात कर रहे हैं, हम सीएम बन जाएंगे।
आपको कोई नहीं जानता, आप कहीं नहीं बन सकते। हमको कोई नहीं जानता, ठीक है, लेकिन हमको कौन से पार्टी में, हम किस पार्टी में, आप बताइए तो थोड़ा। आप जिस पार्टी का समर्थन करें उसी में। हमको किसी का समर्थन नहीं कर रहे, हम देश का समर्थन करते हैं। क्या समर्थन कर रहे आप, तो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आप किसका समर्थन कर रहे हैं? हम नीतीश का समर्थन कर रहे हैं। आप अपना बात कर रहे हैं, हम अपना बात कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, बताइए। टोपी लगा के घूम नहीं, हम तो हमका टोपी लगाए हैं, हमको टोपी टोपी लगाए भाई, पानी वाला, एक पानी वाला टोपी लगा के घूम रहा है। पानी वाला से बात कीजिए, हम पानी तो नहीं बेच रहे, पैसा मिल रहा है, हम लोगों को पैसा नहीं मिला। अच्छा सुनिए ना, आप इनको बोल दिए कि आप युवा है, चश्मा उस्मा लगा के युवा नहीं नजर आ रहे आपको? अपना अपना नजरिया आपको लग रहा है तो आप समझिए। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार सीएम छोड़ के आप पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है काबिलियत है? सपना कोई कुछ भी देख सकता है, उस पर रोक नहीं है। नीतीश जी हैं जो अपना बिहार संभाल लें, वही बड़ी बात है उनके लिए, और वो पीएम बनने का जो उनका सपना है वो हमेशा ही सपना ही रहेगा। बिहार के युवा होकर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, किसे देखना चाहते हैं बिहार में सीएम के जी? हम बस बिहार का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, बाकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कौन कर सकता है? देखिए आरजेडी को मौका दिया गया और नीतीश जी को भी मौका दिया गया है, अब पार्टी है बीजेपी को भी मौका दिया जाए। बीजेपी को मौका, यानी सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाए? जी सम्राट चौधरी भी एक चेहरा है और चिराग पासवान भी एक चेहरा है, दो देख लीजिए। आपके नीतीश कुमार तो चले जाएंगे, तेजस्वी नहीं जा रहा है, है ना बीजेपी, है ना युवा नहीं है, वो बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, हम नहीं तो बोल रहे, हम तो नहीं बोले कि तेजस्वी बूढ़े हो गए हैं, आपको लग रहा है का? मोदी जी से तो जवान है, मोदी जी जवान है, हाँ 76 साल के उम्र में बिहार के, भले हिंदुस्तान के राष्ट्र ही बने प्रधानमंत्री, आप मानते हैं ना कि मोदी जी हैं? मोदी जी हैं तो नया चेहरा चाहिए ना आपको? तो चाहिए तो है ना, नया चेहरा चिराग पासवान है और सम्राट चौधरी है। कि इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं उनको, मतलब कि वो बने हैं, उनके बाद उनका बेटा बनेगा उन्हीं के पार्टी में जो बने। काम तो आरजेडी करता है जी, आरजेडी नहीं आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बनेगा मोदी, तो इलेक्शन काहे करवाना है, सीधा उनको दे दीजिए सीट, हम लोग भी दे देते हैं, हटाइए। परिवार का कोई राजनीति में है? आप पहले बताइए, मोदी के परिवार कोई राजनीति में है? कैसे नहीं है, उनका है? उनका बेटा कौन है? मोदी जी का बेटा है, देखिए जी इनको, देखिए बोले मोदी जी का बेटा है, कौन है? कौन है? कौन है? आप बताइए, आप ना बोले हैं? बिहार के युवा तो सुन रहे थे, और एक है जो नीतीश कुमार के समर्थक में है और एक जो है चिराग पासवान का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू को तो मौका मिल गया, लेकिन एक बार बीजेपी को भी मौका मिलनी चाहिए कि वो बिहार में सरकार बना के ये दिखा सके कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। धन्यवाद, ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।